तो गाइस अपन पहुंच चुके हैं, सो गाइस अपन अभी आ चुके हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, दिस इज निशित विद मी, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट गाइस। सो वेलकम फ्रॉम गोरखपुर गाइस। सो अपने साथ आ चुके अपने नीरज भाई, जो जिन्होंने अपने लास्ट ईयर के व्लॉग में देखा होगा, जो हम लोगों सुनौली बॉर्डर में मिले थे लास्ट ईयर का। सो मैंने फुटेज शेयर किया लास्ट ईयर का भी सुनौली बॉर्डर। डेब्यू भी होने वाला इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के अंदर एक बंदे का, नीरज भाई जो है व्लॉग में। हेलो जो आइस ऑल्सो बॉर्डर पे बॉर्डर पे मिलते हैं अभी कभी, नेक्स्ट टाइम व्लॉग में कभी आना, प्रॉमिस करो भाई। एक साल के बाद वापस अब मिल रहे नीरज नीरज भाई को। सो आज हम लोग यहाँ से अभी पहला अपनों का शेड्यूल ऐसा है गाइस की यहाँ से हम लोग पहला जाएंगे गोरखपुर स्टेशन में, वहाँ से अपना ग्रुप का पिकअप है विच इज 35 पैक्स, नीरज और मेरे को लेके 37 है। फिर उसके बाद अपना अलग ही प्लान है और धीरे धीरे आपको ब्लॉग के थ्रू बताते रहेंगे। अभी फिलहाल अभी ट्रेन थोड़ा सा लेट है बिकॉज विंटर्स में ट्रेन थोड़ा लेट होता है बिकॉज क्योंकि फॉग ज़्यादा होता है, उसके वजह से थोड़ा ट्रेन का थोड़ा लेट होना चांसेस ज़्यादा होता है। तो फिर भी हम लोग अभी जाएंगे टू वॉच स्टेशन। So guys, अपन पहुंच चुके इन गोरखपुर स्टेशन फॉर द पिकअप ऑफ द गेस्ट आउट हियर। सो अभी वो लोग का जो अराइवल एस्टिमेटेड टाइम है इट इज सेइंग दैट 7:40 का है। तो अभी 7:30 हो चुके हैं गाइस। तो अभी हम लोग को प्लेटफॉर्म टिकट देखने की किधर मिलेगा, बिकॉज हम लोग को प्लेटफॉर्म तक जाना है तो उसके लिए यू हैव टू हैव अ प्लेटफॉर्म टिकट। मेरा प्लेटफॉर्म टिकट नहीं होने वाला गाइस, तो हम लोग वही अभी देख रहे हैं वेयर फ्रॉम वेयर वी कैन गेट अ प्लेटफॉर्म टिकट गाइस। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस जो अभी एक गोरखपुर स्टेशन देख रहे हो, दिस इज द मेन एंट्रेंस जहाँ से हम लोग एंट्री करने वाले हैं यहाँ से टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म गाइस। सो गोरखपुर इज द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन ऑफ इंडिया आउट हियर गाइस, जैसे कि देख रहे हो। तो यहाँ से हम लोग को एंट्री करना है टुवर्ड्स द स्टेशन और यहाँ पे भी उसका बग्गी मतलब कि ऐसा सैंपल पीस रखा है जैसे कि देख रहे हो आप ये वाला, और अपने साथ इंडिया का झंडा वगैरह भी है। और यहाँ से हम लोग को अंदर जाना है टुवर्ड्स द स्टेशन, बट हम लोग देख प्लेटफॉर्म टिकट के लिए ढूंढ रहे गाइस कि कहाँ मिलेगा अपने को टिकट गाइस। सो गाइस अपन अभी आ चुके हैं रेस्टोरेंट इधर ऑन द वे, 45 मिनट्स दूर ही हम लोग बॉर्डर से। तो ये रेस्टोरेंट में आ गए अभी, गेस्ट सबको लेके आ गए तो इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया हम लोग ने। सो अभी वही ब्रेकफास्ट खाने के बाद अपन निकल रहे बॉर्डर के लिए। बॉर्डर में चेकिंग थोड़ा ज़्यादा होगा बिकॉज नाउ 26 जनवरी नज़दीक आ रही है, उसके कारण थोड़ा ज़्यादा चेकिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। और हम लोग ने जो नाश्ता खाया इट इज़ दिस पूरी सब्जी। अगर यूपी में आए हो पूरी सब्जी नहीं खाया तो क्या खाया होगा इस, अगर साउथ में जा रहे हो तो इडली वड़ा नहीं खाया तो क्या खाए हो। वैसे ही इधर भी यूपी में पूरी सब्जी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू हैव इट आउट, मतलब इधर यूजली मिलता है इधर। सो अपन अभी इधर थोड़ा सा खाने के बाद निकलेंगे टू वॉच बॉर्डर गाइस। तो पूरी सब्जी खाते अभी देखते कैसा टेस्ट है बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम इन दिस ढाबा गाइस, तो आई डोंट नो हाउ विल बी द टेस्ट एंड सो ऑन गाइस। सो गाइस बैक इन द कार, वापस अपन पीछे वाले साइड पे आ चुके गाइस, और अपने साथ अंकल भी है जो डॉक्टर साहब। सो अपने साथ आगे भी पब्लिक लोग भी है, बोल दो हाय क्या बब्बे। इधर भी पब्लिक लोग और अपना आगे गांधी जी भी है भाई आगे, उसको भी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे क्योंकि कैमरा का आगे तक तो एंगल दे ही जाता है। सो यही कम्फर्टेबल है मेरे को लग रहा है। लेग स्पेस भी अच्छा खासा है इस आर्टिका में, नो डाउट इन दिस ऑल्सो, मतलब कि अच्छा खासा वो मेरे जैसा टॉल आदमी को तो इधर जैसे कि देख रहे हो इट्स रियली मतलब कि कंफर्टेबल कार। लेग स्पेस का भी अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं दे रहा गाइस, अभी तो अच्छा खासा लग रहा है। अभी जर्नी हम लोग 45 मिनट्स तक अपने को
पहुँचना है टुवर्ड्स दी नेपाल बॉर्डर विच इज़ नोन एज सुनौली बॉर्डर। सो गाइज अपन अभी बस में आ चुके हैं। अभी पता है मैं डायरेक्टली बस में क्यों आया बताता हूँ, क्योंकि इतना पूरा स्ट्रेस था गाइज की, जैसा कि अपना इनोवा में हम लोग आए थे उसका भी परमिट नहीं बन रहा था बिकॉज अभी क्योंकि टाइम लग रहा था और एक्शन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि चेकिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था बिकॉज 26 जान था, इसलिए मैं आपको आसपास का दिखा नहीं पाया। तो अपने भाई है इधर, जो अपने नेपाल के भाई बंधु है जैसे कि देख रहे हो, और अपने ड्राइवर भाई भी तो इधर है, जो अपने को अपना लुम्बिनी अभी लुम्बिनी लेके जाने वाले द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। सो इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग गाइस। और अपने लोग इधर पीछे देख रहे, राजू सर वहाँ इधर से को सब अपने गाइज अपन वापस आ गए बस में। आई नो हमें को मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको लुम्बिनी दिखाने का, बट इशू इतना ज़्यादा हो गया ना कि मैं लुम्बिनी का आपको दिखा नहीं पाया। वो इशू क्या हुआ मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ आपको अपने ब्लॉग के थ्रू बताऊंगा धीरे धीरे। आई नो यार पता नहीं इस ब्लॉग में बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है, पता नहीं ब्लॉग भी कैसा बन गया होगा, आपको अच्छा लगा कि नहीं। हम लोग जितना भी पॉसिबल है अभी उस ये सब में कवर करेंगे गाइज, और कल का जो भी ब्लॉग होगा पोखरा एक्सप्लोरिंग वो ज़रूर एक बार अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे उसका भी। अभी इस वाले ब्लॉग में थोड़ा सा ऐसा ही होगा, आई नो थोड़ा सा ये लाइफ स्टाइल में टर्न हो गया है। सो अभी हम लोग अभी ऑन द वे ही है टू वॉच पोखरा, लुम्बिनी जाके दर्शन कर लिया, हम लोग ने किया ना अभी दर्शन लुम्बिनी में, बट हमारे गेस्ट ने किया। अभी उसके बाद क्या वो स्टोरी हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। सो अपने साथ जनेश भाई भी आ गए इधर फोन में बिजी, आपको नेपाल का अंबानी और भाई भी, और अपने उस्ताद गुरु जी जब देख रहे हो भाई ड्राइव कर रहे हैं, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे गुरु जी को। और पीछे इसके पीछे हमारा गेस्ट है, और लाइटिंग एकदम उस पार में अभी ड्यू टू फॉग एंड ऑल क्लियरली वेदर क्लियरली है, अदरवाइज अपने को पहाड़ दिखता था, बट अभी शाम भी हो गई और वेदर भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो उसकी वजह से हमको पहाड़ अभी दिख नहीं रहा है। तो हम ट्राई करेंगे देखने के लिए पहाड़, अभी जैसे चढ़ेंगे अभी देखेंगे कैसा दिखता है पहाड़ आप लोग को। आई होप हम जल्द से जल्द पहुँचे टू वॉच दी पहाड़, तो तभी आप लोग को भी अच्छा खासा सीन देखेगा इस। तो गाइज अपन अभी चढ़ चुके हैं पहाड़ में, अभी थोड़ा सा अंधेरा है बिकॉज अभी अंधेरा हो चुका है गाइज, अभी सीन तो अच्छे खासे तो नहीं लिखेंगे, बट हेडलाइट के लाइटों से हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं आप लोग को सीन दिखाने का। अभी जस्ट पहाड़ अभी जस्ट चढ़ चुके हैं, अभी इधर जैसे कि देख रहे हो आप अभी अच्छा खासा दिख रहा है, पता नहीं आपको कैमरा में शायद थोड़ा जस्टिस मिलेगा, बट लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा हेडलाइट की वजह से ना अच्छा खासा दिख रहा है अभी आप लोग को भी गाइस। राइट में टेम्पल जैसे कि देख रहे हो गाइस, दिस इज द टेम्पल। सो रिटर्न के टाइम अगर दिन में आएंगे तो ज़रूर वापस दिखाएंगे गाइस। सो ये रास्ता थोड़ा सा इधर का ख़राब है, हल्का सा ख़राब है, सो एंड फॉर द बस थोड़ा सा टाइम मतलब कि ये कंज्यूमिंग हो सकता है गाइस। सो अभी अपना डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए हम लोग को मिड नाइट ही होने वाला है गाइस। सो गाइस जैसे कि देख रहे हो अपन वापस ऑफ रोडिंग में आ गए गाइस। सो ये वन वे ट्रैफिक है, मतलब कि अब हम लोग ऑफ जा रहे तो डाउन वाले रुक रहे हैं, तो अगर आप लोग डाउन आते तो ऑफ वाले रुकते हैं, ऐसा ट्रैफिक है, वन वे ट्रैफिक एंड रास्ता एकदम ही ख़त्म वाला रास्ता, मतलब तो ख़राब रास्ता है। सो अगर आप पॉसिबल हो, अगर आप सुनौली से पोखरा जा रहे हो तो ये दिन में कंप्लीट कीजिए गाइस, क्योंकि रात में क्या कभी कभी गड्ढा उड्ढा इतना नहीं दिखता कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप यूज टू नहीं हो इस प्लेस से लेके, इसलिए नहीं तो आप ट्रैवल कर सकते हो। जो ड्राइवर्स रहते हैं पहाड़ी वाले जो लोकल्स होते हैं उनको ये रास्ता का हैबिचुअल है, तो वो चला लेते हैं कैसे भी इधर ऊपर, बट जो नए ड्राइवर्स हैं जो नए वाले रूट ले रहे हो ये सब ये वाले प्लेस में, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उनको पता नहीं कब कहाँ रास्ता ख़राब है और कौन से मोड पे लेफ्ट राइट कौन सा लेना है, तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है गाइस। अभी इधर इतना खतरनाक वाले डेस्टिनेशन में आ चुके हैं गाइस, एज यू कैन सी आउट हियर, मतलब कि अभी ये तो पहले वाले से भी बहुत खतरनाक है, अभी कैमरा में इतना जस्टिस नहीं है, बट इधर ऊपर से धूल वूल भी बहुत उड़ रहा है, मतलब पत्थर उठने का चांसेस बहुत ज़्यादा ही है, एंड आप देख रहे हो मतलब कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कितना क्या है, मतलब इतना धूल मट्टी होने के बाद इतना धूल मट्टी कितना है गाइस। सो फाइनली कैसे कैसे हम लोग ने वो पार कर लिया गाइस। सो गाइस हम लोग अभी जो टाइम हो रहा है इट इज़ नाउ राइट नाउ 9:45, तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम लोग अपना डिनर करने वाले, अभी हम लोग ने गेस्ट वेस्ट तो सब डिनर कर रहे हैं,
तो हम लोग भी कुछ ही देर में खाने वाले डिनर, तो चिकन विकन जो भी है हम लोग खा लेंगे गाइस। सो यहाँ से टू ये अभी हम लोग जो प्लेस में रामदी करके है, सो यहाँ से टू वॉच दी पोखरा जहाँ पे होटल है, इट इज़ अराउंड 3.5 hours का ड्राइव एंड बिकॉज द रास्ता इज़ पूरा पहाड़ी, तो उसके जैसे थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस पहुँचने के लिए। तो आई होप सो हम जल्द से जल्द पहुँचे और कल जल्दी साइट सीइंग भी करना है पोखरा का, तो जो भी होगा अपडेट दे दूंगा गाइस, सो स्टे ट्यून। सो गाइस अपन पहुंच चुके इन द रूम ऑफ द होटल ऑफ पोखरा। आई नो मैंने थोड़ा बहुत सीन नहीं दिखाया बिकॉज थोड़ा सा प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग्स चालू थे कल के, थोड़ा सा मूड ऑफ भी था, वो मूड ऑफ क्यों था मैं बताता हूँ गाइस। की जब भी आप सपोज लाइक इतना लंबे ग्रुप में रहते हो और कोई एक जन रहता है ना जो करता है डिस्टर्बेंस, वही हुआ है ग्रुप में भी, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से मेरा मूड भी ऑफ था, इसलिए ये ब्लॉग भी अच्छे से नहीं बन पाया होगा गाइस। सो कल का जो नेक्स्ट ब्लॉग है हम लोग पोखरा एक्सप्लोर करेंगे, उसमें अच्छा अच्छा प्लेसेस भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या क्या प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हो आप इन पोखरा। वी आर प्लानिंग टू विजिट टू पोखरा गाइस। सो दिस इज द वॉशरूम ऑफ द ऑफ आवर होटल विच इज होटल एलिगेंट विच इज जस्ट नियर बाई टू आवर लेक साइड इन द स्ट्रीट नंबर 8 इन नियर द फेवा लेक, ऑपोजिट ऑफ फेवा लेक विच इज फेमस इन पोखरा द फेवा लेक। सो ये ब्लॉग इधर ही एंड कर देते हैं गाइस। आई नो ये ब्लॉग थोड़ा सा ऐसे सब बना रहेगा, खाली मेरा लाइफ स्टाइल और एक्सपीरियंस वाला ब्लॉग बन चुका है गाइस। सो कल का ब्लॉग जो होने वाला है वो ब्लॉग हम करेंगे ऑफ आर एक्सप्लोरिंग ऑफ द न्यू प्लेस विच इज पोखरा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो आई नो ये कैसा भी बन चुका होगा। सो दैट्स इट विद टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, अगर पसंद आया तो कैन यू डू सब्सक्राइब टू, टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी स्प्रेड हैप्पीनेस एंड डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर, एंड इफ यू हैव फॉलोड मी ऑन माय सोशल मीडिया डू फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया, दिस इज माय आईडिया, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर। तो गाइस अपन पहुंच चुके हैं।